खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है। इस समय बैतूल की जीवन दायिनी, शहरवासियों की प्यास बुझाने वाली माचना नदी कैंसर रूपी जलकुंभी की चादर ओढ़ चुकी है, तथा इस कैंसर रूपी जलकुंभी का पानी नगर पालिका पूरे शहर को पिला रही है। शहर को जहां से पानी की सप्लाई की जाती है, उस फिल्टर प्लांट की हालत किसी से छुपी नहीं है। स्टॉप डैम के चारों ओर गंदगी फैली हुई है। आज माचना नदी जलकुंभी एवं गंदगी के कारण पूर्ण रूप से दूषित हो चुकी है। नगर पालिका द्वारा माचना नदी पर जगह जगह छोटे छोटे बांध बनाकर नदी के पानी को एकत्रित कर उसकी सप्लाई शहरवासियों को की जा रही है। आज जलकुंभी नदी को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है। जलकुंभी द्वारा पानी में मौजूदा ऑक्सीजन का उपयोग करने से पानी के सूक्ष्म जीव मछलियां मर रही हैं, तथा जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, तथा जलकुंभी के पानी से मच्छरों की अधिकता हो रही है। इन सब के कारण चर्म रोग, गला रोग एवं अन्य गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। पानी पर तैरने वाले अमेजन मूल का ये पौधा जलीय जंतुओं के लिए जानलेवा बन गया है। बैतूल की जीवन दायिनी मानी जाने वाली माचना नदी पर अब इस पौधे का कब्जा हो गया है। नदी के अनिकेट इलाके से लेकर 10 किलोमीटर के क्षेत्र में ये झालर नदी को लील गया है। नदी का पूरा जल क्षेत्र झालर से ढक चुका है, जिससे नदी के जलीय जंतु, जिनमें मछलियां, केकड़े व झींगे जीव हैं, वो बेमौत मर रहे हैं। जैसा कि मुझे पता है, पिछली बार भी ये विषय आया था और ये थोड़ा सा पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा हुआ विषय है। तो हम लोगों ने इस संबंध में पिछली बार भी जबलपुर में जो खरपतवार संस्थान है, अनुसंधान संस्थान, उसको पत्राचार किया था कि यदि इस विषय में कोई वैज्ञानिक तकनीक हो, कोई ऐसा बैक्टीरिया, जीवाणु या जो हमारा कोई केमिकल हो, अगर कुछ भी हो तो हमें उसकी जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे कि हम उसमें यथासंभव उसको उचित तरीके से उसका निराकरण कर सकें। परंतु अभी तक तो इस विषय में कोई वहाँ से पत्राचार हमको प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें ज़रूर हम लोगों ने अपने स्तर पर एक कार्य योजना बनाई है कि हम एक विशेष सफाई अभियान चलाएंगे और जितना मैन्युअली हम लोग अपने लेवल पे कर सकते हैं उसको साफ़ करने का प्रयास करेंगे। और एक तीसरा तरीका जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसा सारणी में ऐसा बताया गया कि वहाँ भी एक काफ़ी चाइनीज़ झालर करके कुछ होता है, वो समस्या वहाँ पर थी, तो उन्होंने कुछ तकनीक प्रयोग की जिससे उनको उस समस्या से निजात मिली है। तो मैं वहाँ भी विशेषज्ञों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वही तकनीक यहाँ भी सफलतापूर्वक हम रेप्लिकेट कर सकें तो हम निश्चित उसका भी प्रयोग करेंगे। और हमारा पूरा प्रयास है कि कैसे भी हम हमारी माचना को बिल्कुल स्वच्छ रखें, क्योंकि हमारे जल प्रदाय का एक बड़ा स्रोत और हमारे यहाँ की हरियाली और पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है हमारी माचना नदी। सर, ये नगर पालिका द्वारा जो सफाई अभियान जो चालू किया जाएगा तो कब शुरू किया जाएगा इसे? ये इस हफ्ते में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारे ही नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जनभागीदारी हो ताकि ये सतत प्रयास चलता रहे। और क्योंकि जैसा मैं हम लोग देख पा रहे हैं और जैसी खबरें आ रही हैं, अलग अलग क्षेत्र में विकसित होती जा रही है, तो हम ऐसा चाह रहे हैं कि हमारी ऐसी 3-4 टीमें बन जाएं जिसमें हमारे कुछ जनभागीदारी भी हो और हमारी टीम भी हो, और हम लोग मछुआरों से भी संपर्क करेंगे जो इसमें हमारा सहयोग कर सकते हैं, और फिर हम लोग इसको सतत एक अभियान के रूप में करेंगे। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।